हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 16वां दिन है, 16वीं टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी एसएसटी, जो भी जिसमें मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मेरे सारे क्वेश्चन पिछले जितने भी लास्ट 8 ईयर के क्वेश्चनों को मैंने एनालिसिस किया है, जिसमें सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट, उन सभी के क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके के क्वेश्चन पूछा गया, उसके टॉपिक को पढ़ाया, एनालिसिस किया है, वहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज एनालिसिस करता चलूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा काम ये नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर होता है खत्म बात। मेरा काम ये है क्वेश्चन को समझाना प्रॉपर तरीके से, कि इस क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन और बन करके आपके सामने आ सकते हैं सी टेट दिसंबर में, जो अभी आने वाला है। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, और सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है। रिवाइज करते रहो, ठीक है, या पर रिविजन के लिए पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ अमित सर जी के टेलीग्राम पर, फ्री है, सभी चीजें पड़ी हुई है मेरी क्लासेस। ठीक है, इंपोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपोर्टेंट है, शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी स्लाइड के अंदर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आए या फिर आप कोई समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे से बात करो, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, या फेसबुक, कहीं भी आप मेरे से बात कर सकते हो, भाई इसमें प्रॉब्लम है, या फिर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यानपूर्वक सुने। एक प्रकार की चट्टान चक्रीय तरीके से कुछ परिस्थितियों के तहत दूसरे प्रकार में बदल जाती है, क्या है सही है चट्टानों के रूप में? ठीक है, चट्टानों के बारे में, या फिर गर्मी और दबाव में अवसादी जो चट्टाने कायांत्रित चट्टानों में बदल जाती हैं, ये सभी चक्र, ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है क्लास में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज भी समझा दूं अपने भाई को। ठीक है, तो इनमें से जो है दोनों ठीक लग रही है। अब दोनों क्यों लग रही है मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अपने चीज जो मैंने लिखा हुआ आपके सामने, पहले पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, एक बार मैं रोटेट कर देता हूँ इसको, जैसे कि इग्नेस रॉक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन लेना। इग्नेस से फिर बनती है आपकी सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक से मेटाफोरिक रॉक, ठीक है, जिसका आप जिक्र हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन में करा है कि गर्मी और दबाव अवसादित चट्टाने कायंत्रित चट्टानों में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपके सामने, अवसादित चट्टानी, हिंदी में बता रहा हूँ, कभी इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ, अवसादित चट्टानी क्या है ये, यहाँ से हीट और प्रेशर, तो क्या बनी है मेटाफॉर्मिक रॉक, मेटाफॉर्मिक मतलब कायांत्रित चट्टानी, दोनों राइट होगी। दूसरी बात मैंने बता रहा हूँ, अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रोटेट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफोरिक, फिर मैग्मा से सीधा इग्नेस रॉक, तो ये चक्रीय वाली बात भी राइट होगी, और अवसादी चट्टान से कायंत्रित चट्टान भी, तो दोनों राइट होगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्लियर करेंगे, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और समझाने के योग्य है। ठीक है, बात करूं सेल की, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी है, ये आपको सभी को बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड के सेल कहते हैं, ये आपको पता होगी, क्यों पता होगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इनकी पीडीएफ पढ़ी है प्रॉपर तरीके, क्लासों की पीडीएफ पढ़ी है, विद प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, सभी चीज आप प्रॉपर तरीके से करो, नहीं करना तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन उठा रहा है, उठा सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से तीन प्रकार के सेल हूँ, नंबर एक अग्रे, अवसादी और कायांत्रित, ये सभी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आपको पता होगी, पृथ्वी की तीन परत को बांटा गया है केंद्र तक। ठीक है, सिरे से लेकर, तो क्रस्ट है, मेंटल है, और कोर, कोर में भी दो पार्ट है, जिसको आउटर और इनर कोर कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इसी प्रकार से चलते हैं, आपको समझना है हर चीज को प्रॉपर तरीके से, मैंने क्लास में समझा दिया, फिर रिवीजन करो, पीडीएफ में रिवीजन करो, और ताकि आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल भूले ना। ठीक है, सीधी सी बात मेरी यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। जनसंख्या पिरामिड, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है क्योंकि अभी ठीक हुआ नहीं है जुकाम। जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है, जनसंख्या पिरामिड या पिरामिड दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आयु, लिंग, जनसंख्या का संगठन होता है, ये प्रॉपर तरीके से आपको मैंने बताया हुआ है, जब मानचित्र हो या इन सभी को पहले डिस्कस किया था, ग्लोब को, सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैंने क्लास करवाई थी, जनसंख्या पिरामिड की बात आई है यहाँ पर, तो आपके सामने मेल, फीमेल, एज, ठीक है, और यह क्या क्या जनसंख्या, इन सभी को क्या दर्शाता है, संकेत करता है या फिर इंडिकेट करता है, वो है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, तो
इम्पोर्टेंट है आपसे पूछ सकता है। मैंने थोड़ा लिखा भी हुआ है इसके बारे में कि एक जनसंख्या पिरामिड जिसे आयु पिरामिड, आयु चित्र आरेख भी कहा जाता है, इसके आदर्श नाम है ये याद कर लेना, एक ग्राफिकल चित्रण में जो आबादी से विभिन्न आयु वर्गों के वितरण को दिखाता है, जिसमें जनसंख्या बढ़ाने पर पिरामिड आकार बनाता है। जनसंख्या पिरामिड को आबादी की आयु और लिंग वितरण की ग्राफिक रूप से चित्रित करने के सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक बड़े अपने भूमि भाग को, अपनी पृथ्वी को एक ग्लोब के अंतर्गत समझा जाता है, उसी प्रकार से इन चीजों को भी डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, सभी चीज क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमूल ब्रांड है का एक सफल उदाहरण बता रहे हैं मुझे इनमें से। ठीक है, बहुत सो को पता नहीं होगी इसके बारे में, मक्खन, ये लास्ट ईयर पूछे गए इस टॉपिक से क्वेश्चन थे, उसमें से निकाल के लाया हूं आपके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है, अमूल ब्रांड का सफल उदाहरण मक्खन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, या फिर सहकारी क्षेत्र उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग, ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, सी सहकारी क्षेत्र उद्योग होता है। मैंने बताया भी हुआ है अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है, यह एक ब्रांड रहा है। ठीक है, जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था प्रबंध से चलाता है। ठीक है, गुजरात के लगभग 3 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड की अंशधारी मालिक है, ये आपको पता नहीं, मतलब अंशधारी का मतलब मालिक ही होता है। ठीक है मेरे भैया, इंपोर्टेंट है सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट है थोड़ा इसको समझना। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? कोस्टा रिका क्या है? कोस्टा रिका आपको पता है हुआ है ऑलरेडी, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के होता है। ठीक है, कोस्टा रिका देश। ठीक है, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैंने बताई हुई है, लेकिन रिवीजन का दौर है। ठीक है, क्योंकि जब मैं क्लास करवा रहा तो सभी चीजें प्रॉपर तरीके से आई थी, क्लास 7 याद कर लो, उसमें आया था इसका जिक्र। ठीक है, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक समान खर्चा होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कोस्टा रिका को लेकर के। आपको बस कोस्टा रिका जन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर को होता, और कहीं आगे बढ़ना नहीं है, यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलू क्या है? विभिन्न देशों की विभिन्न प्रजातियां, जातियां, जनजातियां सभी पूछी जाती हैं, ये आपको पता होगी। ठीक है, यहां बात करता हूं जुलू क्या है। जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, भाषा है, राष्ट्रीय पशु है, परंपरागत नृत्य है, आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से एक भेष में, तो एक जनजाति के रूप में जुलू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई भाषा है, ना ही राष्ट्रीय पशु, ना ही परंपरागत नृत्य है इसका नाम। तो जुलू जो है दक्षिण अमेरिका या साउथ अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका की एक जनजाति है जुलू, आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा मैं बता दूं, जूलू दक्षिण अफ्रीका का एक बंटू जनजाति समूह है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है? यही है बंटू जाति समूह की एक जूलू, जिसमें अनुमानित 10 से 11 मिलियन लोग मुख्य रूप से क्वाला जुलू नाताल प्रांत में रहते हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक एक छोटी संख्या में रहती है। उनकी भाषा जुलू एक बंटू भाषा है, ये आपको बताना चाहिए बंटू भाषा कहाँ पर बोली जाती है। इस प्रकार जैसे जुलू जनजाति पूछ लिया आपसे, अधिक विशेष रूप से गुगुनी उपसमूह का हिस्सा है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भैया, ये दक्षिण अफ्रीका की है, बंटू समूह की है, और जुलू जनजाति वहीं पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश में कोई ज्ञात निष्पेक्ष नहीं है, मतलब कि जो वहां पर मिनरल नहीं पाए जाते किसी प्रकार से, खनिज भंडार नहीं पाए जाते, कहां पर? म्यांमार, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सबको बताया मैंने, बताया हुआ है, नहीं पता तो आज सुन लो। सी स्विट्जरलैंड में नहीं मिलता खनिज भंडार किसी प्रकार से कोई भी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है ये भी जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, मलोका क्या है? मलोका इंपोर्टेंट है, एक जनजाति है, एक प्राकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी, मलोका बहुत से भरिया में एक जनजाति होगी। ठीक है, टिक कर, लेकिन मैं घर चित्र को भी लेकर आया हूं वहां कर, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, झोपड़ी टाइप में आपको दिख रहा होगा, मलोका में से मकान, में से मलोका, इस प्रकार से डिनोट कर लो इसको। तो एक प्रकार का घर होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, मलोका एक पैतृक लंबे घर होते हैं, जिसका इस्तेमाल अमेजन नदी कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंपोर्टेंट है, इन कमेंट मुझे बताओ इसके बारे में, पता होगी तो किसी बच्चे को। ठीक है, अमेजन के मूल निवासी है, कोलंबिया, ब्राजील में विशेष रूप से किया जाता है, और इसका विकल्प जो है बी इज द राइट आंसर, जो मैं एक प्रकार का घर बता रहा हूँ ऑलरेडी है। ठीक है, एक प्रकार का घर होता है मलोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। भाई पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर लगा हुआ है, और पृथ्वी के चक्कर लगा हुआ है चंद्र। ठीक है, आपको पता होगी, लेकिन हमारे यहाँ पूछा गया पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने को, घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन,
परिक्रमण, कक्षीय समतल या परिधिवृत्त। परिधिवृत्त मैंने आपको कल बताया था, जो दिन और रात विभाजित करता है, बताया था ना कल। और ये जो पृथ्वी द्वारा जो सूर्य के चारों लगाया जाता है उसको परिक्रमण कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। ये वार्षिक गति सूर्य इसी के वार्षिक इसके ही जो परिक्रमण से सूर्य के चारों चक्कर लगाने थे 365 दिन में जो चक्कर लगाती है, उसी कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। आपको पता होगी बात रही घूर्णन की, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का, उस घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है मेरे भैया। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, मेरा हक है आपको समझना डीपली वाइज, ठीक है। एक मिनट रुके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है मेरे भैया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे उसे जाना जाता है भूसंधि से, या फिर खाड़ी से, या फिर द्वीप से, या जल संधि से। यहाँ पर भूमि एक संकरी पट्टी की बात की गई है, जिस प्रकार से श्रीलंका और इंडिया जुड़े पड़े हैं, जिस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़े पड़े हैं, तो उसको कहा जाता है भूसंधि, जिसको इथ्यूमस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और मैंने कल ही बताया पनामे संधि से ये जुड़े हैं एक दूसरे से, लेकिन श्रीलंका और भारत किस संधि से, किस जल संधि से जुड़े हैं या फिर भूसतल संधि से जुड़े हैं, ये आपको बताना है इन कमेंट में, हो सकता है सिंपल है, ठीक है मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, जैसे कि मैंने बताया भी होगा कि भूमि एक संकरी पट्टी है जो दो भूमि खंडों को आपस में जोड़ती है, उसे भूसंधि कहा जाता है। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर है, मैंने बता दिया, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इसलिए लेकर आया हूँ, हालांकि मैं इन सभी को प्रॉपर तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था, जितने भी काल थे, जितने भी वंश थे, राजवंश थे, जितने भी कार्यकाल थे, कौन कौन किस समय राजवंश था, किसकी राजधानी क्या थी, सभी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसके बारे में बता दूंगा आपको। महाजनपद काल के दौरान कर संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर फर्स्ट है, फसलों पर जो कर लगाया जाता था वह उत्पादन का 1/8 हिस्सा था, या फसलों पर एकत्रित कर को बिस्वा के नाम से जाना जाता, बिस्वा होती है भूमि का नाम, तो यहाँ पर गलत हो जाता है ये तो। दूसरी बात है, यहाँ पर 1/6 होगा क्योंकि इंग्लिश को वो मान्य मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ए, ठीक है मेरे भाई, ए ओनली वन, मतलब कि फसलों पर जो कर लगाया जाता था वह उत्पादन का 1/6 हिस्सा होता था, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश इज द राइट आंसर, वो इंग्लिश को मानते हैं करेक्ट, ना कि हिंदी को, ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश को भी पढ़ना गया अलग है, ठीक है मेरे भाई। मैं थोड़ा बता दूं, महाजनपद के शासक के विशाल किले का निर्माण कर रहा रहे थे उस समय, बड़ी सेनाएं रखते थे अपने समय, ये आपको सभी को पता होगी, इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें मैंने लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि केरल में लोगों के एक समूह को तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो ऐसे मामले में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये मैंने बताया हुआ है आर्टिकल में, आर्टिकल बताए हुए, नहीं तो सीटेट के पहले मैं आर्टिकल करवा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, जितने भी पूछे जा सकते हैं आपसे वो, ठीक है, ज्यादा नहीं, आर्टिकल 50 तक बहुत है, ठीक है, उसके बाद तो मैं वैसे ट्रिक वाइज करवा दूंगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सभी चीजें, ठीक है, जो भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उनको सभी को करवा दूंगा एक ही क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कीजिए, यदि केरल में लोगों के एक समूह को तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, किस चीज को उल्लंघन है, हमारी संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का, समानता का, या फिर स्वतंत्रता का, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पर नीचे के तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। यहाँ पर बात की गई है स्कूल खोलने की, वो भी तेलुगु माध्यम में, तो वहां की संस्कृति और वहां की शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, मैंने नीचे भी लिखा है आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 दोनों में संस्कृत और शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के अंतर्गत है ये, तो संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं को शैक्षणिक संस्थानों पर स्थापित कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दोनों आर्टिकल है मैंने दोनों के दोनों मैं इसमें लिख रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आश्रमों के बारे में बताना है। ब्राह्मणों ने 3 आश्रम को मान्यता दी थी, गलत है, बताया ना मैंने आपको, सभी चारों वर्णों को आश्रम की प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी थी, यह भी गलत है। महिलाओं को सभी आश्रमों का अनुकरण अपनी इच्छा से करना पड़ता, तो यह तो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, नन ऑफ द अबव,
इनमें से कोई नहीं। आइए आश्रम के बारे में बता देता हूँ जो अलाउड थे, ठीक है, जो इन्होंने रिकॉग्नाइज करे थे। जीवन के चरण जो थे, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों को प्रॉपर तरीके से बता दिया है, ये याद कर लेना। कोई सा भी ऑप्शन या क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इन तीनों को देखकर के कोई आदर्श दे सकता है कि कौन सा नहीं था आश्रम के अंदर का, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृत है? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ठीक है मेरे भैया, देख रहे हो आपको प्रॉपर तरीके से चित्र पूरा। तो राष्ट्रकूट काल का है, चालुक्य काल का है, गुप्त काल का है, गुर्जर प्रतिहार काल का है। यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो एलोरा की गुफा में जो भित्ति चित्र है, ये राष्ट्रकूट काल का है। आप प्रॉपर तरीके से अंदाजा भी लगा सकते हो, सभी राष्ट्रकाल, चालुक्य काल हो, राष्ट्रकूट कूट काल हो, गुप्त काल हो, गुर्जर प्रतिहार काल हो, सभी को मैंने बताया हुआ है। सभी के इनकी स्थापना करने वाले किसने, किस वंश की स्थापना की, सभी को बताया है। इनकी राजधानी कौन कौन थी, ये किस एरिया में थे, कितना भाग था इनका, सभी चीजें डिस्कस कर चुकी हैं। हालांकि मैंने पीछे भी क्वेश्चनों में डिस्कस किया हुआ है, वहां भी देख सकते हो। जिस बच्चे ने जो आज नया है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगा लो भैया, आज सॉल्व हुआ दिन है। आप प्रॉपर तरीके से ए टू जेड सारे क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से करके आओगे, इतने में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है राष्ट्रकूट जो काल है, इसका संस्थापक कौन था, ठीक है मेरे भाई, इसकी राजधानी कौन सी थी। आप जब रिवीजन करोगे तो प्रॉपर तरीके से दिमाग में, माइंड में घूमेंगे सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकस एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित की गई, भगत सिंह जी के द्वारा। आप सभी को चित्र दिख रहा होगा, बाकी तीन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो भगत सिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आइए मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, भारत माता की लाडली, जिनको हम इनके देख करके, इनकी किताबों को पढ़ करके बड़े बड़े हुए हैं, ठीक है। इनके इनके जो इनके शरीर में जो खून खौलता था अपने भारत के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने एक अपने सभी भाई बहनों के लिए, वो चीज देख करके हमें गर्व महसूस होता है आज, ठीक है। तो मैं बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में, भावनाओं में बह करके, इस दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी हुआ करते थे, मतलब सक्रिय थे, ठीक है, आजादी दिलाने में, ठीक है। उन्होंने 1928 में, किन्होंने, भगत सिंह जी ने, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम आज जो क्रिकेट मैदान है अरुण जेटली पड़ गया है, में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, HSRA की, ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सांडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये आपको पता होगी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1928 के अंतर्गत, ठीक है। इनको फांसी भी दी गई फिर बाद में, ठीक है। वो जो लाहौर षड्यंत्र किया था इन्होंने, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु, तीनों को तीनों 23 और 24 साल की उम्र में, ठीक है, तीनों को तीनों को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इनकी बुकों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें जानने चाहिए, ये कौन थे, ठीक है मेरे भैया। तो भैया जब पढ़ो तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ो, उससे मोटिवेट भी हो गया, ठीक है, कितना कुछ किया है, अपनी हिस्ट्री को पढ़ो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था, और सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं हर रोज एक दिन बढ़ता जा रहा हूँ, और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है सभी की सभी, ठीक है, और सभी के सभी क्वेश्चन, उनमें समझाए समझाए जाने वाले और आने वाले आसपास के टॉपिक जो है वो सभी, उनसे निकालने वाले जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। PDF अभी मैं शेयर कर दूंगा अपने भैया के लिए और बहनों के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करे जाओ, कोई दिक्कत ना किसी भी प्रकार से, ठीक है। और अगर कुछ चाहिए क्लास में करके दे दूंगा आपको, चाहिए तो, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।